CA Rachna Khare Srivastav, and you all must be surprised. Yare, Rachna ma'am, aap idhar Jatin sir ke channel pe. So I want to tell all of you that अब हम सब महाबलीस ने साठगांठ कर ली है और अब आपको न केवल अन अकेडमी पे बल्कि ऐसे भी बाहर भी हम आपको साथ साथ नजर आने वाले हैं. और आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैं आप सभी को जो नहीं जानते, भाई आपके सर ने ना इन्होंने मुझे किडनैप करने का प्लान बनाया था. मैं तो सच में डर गई. आई थॉट कि ये प्रोग्राम को साइड में करने के लिए आई शुड क्विकली ड्रॉप इन here to Sir's channel and I should give you all some concept. एक आध वीडियो सर के चैनल पर डाल देती हूँ ताकि ये जो माइंडवली जो है ये हम कर सके, सेटल कर सके ये मामला, हम उसको इफेक्टिवली नेगोशिएट कर सके. तो मैं फटाफट से यहाँ पर आ गई एक वीडियो लेकर के. So my dear friends, I'm going to give you an important concept today. आप सब जानते हैं मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ भाई. I specialize in business communication and correspondence reporting, ये मेरा specialization है. इसके अलावा दोस्तों language में भी मैं बहुत सारे professionals की students की help करती आई हूँ. तो आज भी आप सभी को English से related एक concept यहाँ पर देने वाली हूँ. होता क्या है ना, जनरली इंग्लिश में पता है प्रॉब्लम क्यों आती है. हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम सब इंग्लिश को इंग्लिश की तरह नहीं, लैंग्वेज की तरह नहीं, सब्जेक्ट की तरह हमें पढ़ाया जाता है. तो हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, लिटरेचर हम पढ़ते हैं, ग्रामर कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं. बट जब अप्लाइड, जब एप्लीकेशन का जब मामला आता है ना, जब आपको लैंग्वेज में एप्लीकेशन की बारी आती है, वहां पर क्वेश्चन मार्क्स, बिकॉज वी हैव नेवर अप्लाइड इट, वी हैव नेवर यूज्ड इट प्रैक्टिकली, है ना, वहां पर आपको आती है गड़बड़. So, ऐसे ही शुरुआत से शुरुआत करते हैं. मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज आपसे बात करने वाली हूँ. पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सबने पढ़ा होगा, राइट? पढ़ा है ना सबने, सबने किया होगा अपने प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, सीनियर स्कूल में. बट डायरेक्ट एप्लीकेशन पता नहीं. तो आज हम आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं. इन टोटल वी नो देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. Then there is a 9th one which has been recently added. तो इनमें से हम एक आज उठाते हैं conjunctions. ठीक, चलिए दोस्तों आज कंजंक्शंस की बात करते हैं. कंजंक्शंस मैंने क्यों उठाया, आप सब जानते हैं, आपको मैं क्लासेस में भी जब पढ़ाती हूँ या अदरवाइज ऑल्सो व्हेनेवर आई टीच लैंग्वेज टू ऑल ऑफ यू, कंजंक्शंस आर एन इम्पॉर्टेंट वन. व्हाई? बिकॉज कंजंक्शंस के बिना सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं, सेंटेंसेस के बिना जो है आपकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं. ठीक, तो कंजंक्शंस की यहाँ पर थोड़ी सी आज ग्रिप ले लीजिए. टुडे आफ्टर आई एक्सप्लेन यू कंजंक्शंस, यू विल फाइंड इट इजी टू आइडेंटिफाई एंड मेक सेंटेंसेस. ठीक है ना, चलिए अब आपके साथ में फटाफट से अपना स्क्रीन जो है वो शेयर करती हूँ और आपको कंजंक्शंस में एक्सप्लेन करती हूँ. व्हाट आर कंजंक्शंस से शुरू करते हैं. कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट लिंक द अदर वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस. ये शब्द वो होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, राइट? दो सेंटेंसेस के पार्ट्स को जोड़ना है, क्लॉजेस को जोड़ना है, दूसरे वर्ड्स के साथ कनेक्शन चाहिए आपको. सो कनेक्टर्स और द जॉइनिंग वर्ड्स आर नोन एज कंजंक्शंस. अब जब हम कंजंक्शंस की बात करें तो ये जो कंजंक्शंस है ना, ये ब्रॉडली 4 प्रकार के होते हैं. 4 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. उसमें से सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? सेंटेंस को कोऑर्डिनेट करता है. इसका जो कंस्ट्रक्शन, इसका जो यूज है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का, ये कंस्ट्रक्शन मेनली आपको कंपाउंड सेंटेंसेस में और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में देखने को मिलता है. कंपाउंड सेंटेंसेस जहां पर दो पार्ट्स, दो मेन थॉट्स ज्वाइन किए जाते हैं, जहां पर कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, ये होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का काम. इसको याद कैसे करना है? सिंपल, बहुत सिंपल है. Fanboys. And what is fanboys? Fanboys is the mnemonic that is used. जैसे आप सब भाई, आप सब जतिन सर के फैंस हैं, तभी तो यहाँ पर हैं, तभी तो सबका चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बड़े आप वीडियोस देखते हैं. यहाँ पर बॉयज में गर्ल्स भी इंक्लूडेड हैं. फैनबॉयज किस लिए यूज होता है, आप देखिए, देखिए यहाँ पर FANBOYS. F for A and, N nor, B but, O और why, yet and s से आता है so. So this is fanboys. ठीक, इनका अगर कहीं यूज है सेंटेंस में, कोशिश कीजिएगा देखने की, समझने की कि सेंटेंस ज्यादातर केसेस में कंपाउंड सेंटेंस होगा या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में. अगर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन को हटा दे तो कंपाउंड वाले पार्ट में आपको इनका इस्तेमाल देखने को मिलेगा. These conjunctions can go between the words, phrases और clauses. Examples दिखाती हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा. Rima likes tea, but she does not like coffee. she does not like coffee is one part. Rima likes tea is one part. There are two parts of the sentence. Rima likes tea, but she does not like coffee. This is a compound sentence. There are two main thoughts. Rima likes tea. Rima does not like coffee. Got it? Would you like to play basketball or hockey? हाँ, अभी देखिए. Would you like to play basketball? एक part, एक question का part बना. Would you like to play hockey? हाँ, so would you like to play basketball or hockey? ठीक, एकदम यहाँ पर बराबर balanced है sentence. Or is the conjunction. Or is connecting both the parts of the sentence. Or say two parts of the sentences are made simpler by connecting the two parts with word or, with the help of the usage of conjunction or. Anil studied hard, so he cleared the exams. So Anil studied hard. That is why he cleared the exams. So he cleared the exams. Coordination. ठीक, दोनों part equally important है. Anil studied hard. So he cleared the exams. Got it? Now, second one is correlative conjunctions. ये correlation दिखाते हैं दोस्तों किसी भी sentence के अंदर. Or often these are found in pairs. कैसे pairs? Both and, either or, not only but also, इस तरीके के pairs. इसमें ना आपको parallel construction देखने को मिलता है. क्या मतलब होता है इसका? देखिए, ध्यान से देखिए. I have been to both Mumbai and Delhi. This is the correct use. ठीक है? I have been to both and यहाँ पर ये and pair में आएगा ये. I have both been to Mumbai and Delhi. ये हो जाएगा गलत. क्यों? यहाँ पर both जो है ना, I have both been to Mumbai and Delhi. आपको basically ये both जो है ये आपको noun के साथ में use करना चाहिए था. Verb के साथ में नहीं. ठीक है? I have been to both Mumbai and Delhi. ठीक? Got the construction? तो ये जो है, एक तो ये correct construction है, दूसरा ये correlative conjunction है, both and. Got it? Now look at the next one. Isha likes not only to play cricket but also likes to play football. तो ये यहाँ पर again sentence का construction wrong है. ठीक है? Not only जो है यहाँ पर ये verb के पहले आना चाहिए था. Isha not only likes to play cricket but also football. Parallel. दोनों चीजें क्रिकेट फुटबॉल दोनों यहाँ पर बराबर से इम्पोर्टेंट है. ठीक है? सो ईशा नॉट ओनली लाइक्स टू प्ले क्रिकेट बट ऑल्सो लाइक्स टू नॉट ओनली बट ऑल्सो पैरेलल. ऑलराइट, दिस इज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन. डन. नाउ नेक्स्ट दिखाती हूँ आप सबको थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिससे रिलेटेड सेंटेंसेस का बार बार आपको आमना सामना करना पड़ता है. सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस. Subordinate conjunctions क्या होते हैं? What do you mean by subordinate conjunctions? These are the words or the connectors that create dependent clauses. दोस्तों इनका इस्तेमाल sentences में dependency create करता है. Dependency कैसी dependency? कि एक clause को कम important बना देता है जिसको निर्भर होने के लिए दूसरा एक clause चाहिए sentence के अंदर. जैसे क्या मतलब होता है इसका? देखिए, unless I work hard. Now, unless I work hard is not complete. This is incomplete thought, है ना? Unless के use से ये I work hard incomplete बन जाता है. इसको I can never clear exams चाहिए अपना sense complete करने के लिए. To get a complete meaning out of this clause, you need another main clause. This is the idea of subordinate conjunctions. Huh? When, which, though, although, after, before. After I came back from school, I was really hungry. I ate a lot of food. ठीक है? I went to the bed. I slept for a long time. ये सब हो सकता है. ठीक है? I had gone to the temple before I went to school. ठीक है? So before I went to school, I had gone to the temple. Complex sentences में खासकर आपको subordinate conjunctions का use देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्हीं की help से subordinating clauses जो है ना वो create होते हैं. ठीक, subordinating conjunctions they create subordinate clauses. ठीक है ना? Complex sentence का क्या structure होता है? One subordinate clause, minimum one subordinate clause and one main clause. ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना होगा. Since it was raining heavily. Now, since है इसलिए ये sentence complete नहीं है. Since है इसलिए कुछ और भी चाहिए. I could not go out. Look at this. I could not go out is the main clause. ठीक, since it was raining heavily, subordinate clause. Got it? So ये आपके subordinating conjunctions कहलाते हैं, ये वाले words जो एक clause को less important बना देते हैं. कई बार पहले तो एग्जाम में ये पूछा जाता था, अभी भी आपको प्रैक्टिस के दौरान जो है काम आता है, राइट। और बहुत सारे इंग्लिश टेस्ट में सिर्फ एक सीए फाउंडेशन ही तो नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट जहां पर भी आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का यूजेज है, अप्लाइड नॉलेज पूछा जाता है, वहां पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। लास्ट एक कैटेगरी बनती है कंजंक्टिव एडवर्ब्स की। दोस्तों इनको, ये बेसिकली ना एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स आप जानते हो ना, क्रिया विशेषण ये होते हैं, लेकिन ये कंजंक्शंस का काम करते हैं, इसलिए इनको जो है कंजंक्शंस की कैटेगरी में डाला गया। हाँ, these are the adverbs that act as connectors. Conjunctive adverbs, they include what? They include words like besides, finally, however, nevertheless, then, therefore, after all. यूज कैसे करना है ये देखोगे तो अभी फटाफट से क्लियर हो जाएगा, एकदम फटाक से क्लियर हो जाएगा। इनको ना पॉज की जरूरत होती है, पहले और बाद में, after and before them they need a pause in the sentence, ठीक। ये देखिए ध्यान से, Roma sings well, however she hardly practices. Roma sings well, however she hardly practices. Ria loves this dress, after all pink is her favorite color, ठीक। Rohan loves this coat, after all brown is his favorite color, got it? After all, क्योंकि ऐसा है, इसके ये फेवरेट कलर है, ठीक। However, हालांकि वो इतनी प्रैक्टिस नहीं करती। So these words, therefore, हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है। So because this is multiple of this, because x is multiple of y, therefore we can say that what y is the factor of x, therefore, got it? This is the use of conjunctive adverbs, the joining words. So I hope with this you will be able to identify sentences as well as make your sentence construction better. अब कभी भी जब सामने आपके कंजंक्शंस आएंगे ना, आप फटाफट से पहचान जाएंगे कि भाई ये जो है किस कैटेगरी में कंजंक्शंस के आते हैं। इसके अलावा आप अपनी लैंग्वेज में इनका कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस दोस्तों आप किसी भी ग्रामर बुक से कर सकते हैं। एंड आई होप दैट दिस लिटिल एक्सप्लेनेशन वाज यूजफुल टू यू। आई विल बी बैक, और छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं जो आप सबके काम आ सकते हैं। आई विल बी देयर, और आप सबके साथ मैं मिलती रहूंगी और हम सब बहुत सारी बातचीत जो है ये करते रहेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।